जय भोलेनाथ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जब मैं इस फ्लैट की वीडियो बनाने के लिए आया हूं दोस्तों, तो मैंने एक बात बहुत गौर से सोची कि काफी सारे दोस्त किराया भरते रहते हैं और सालों तक भरते हैं दोस्तों, लेकिन इस तरह का लग्जरी फ्लैट जो वो बहुत आसानी से ले सकते हैं उसके लिए सोचते तक नहीं है। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा 2BHK का शानदार फ्लैट जो कि 65 स्क्वायर यार्ड के सेब एरिया में है, फ्रंट साइड पे है दोस्तों, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, विद लोन है दोस्तों, और काफी कम डाउन पेमेंट देकर भी इस फ्लैट को आप अपना बना सकते हैं। द्वारका मोड़ का ये एरिया है दोस्तों, जो कि द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, लेकिन सामने वाइल्ड रोड आपको मिलती है और गाड़ी की पार्किंग के साथ तो दोस्तों आपकी ये बिल्डिंग। इस कंप्लीट वीडियो को देखिए ताकि आप सोच सके कि अपना घर हो तो कैसा हो। जय भोलेनाथ दोस्तों, हम आ गए हैं आपके 2BHK फ्लैट के अंदर, और अंदर आने के बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कितना शानदार और लग्जरी फील है आपके इस 2BHK फ्लैट की। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपके लिविंग स्पेस की। तो ये है दोस्तों आपका लिविंग स्पेस जो ऑलमोस्ट 10 फीट बाय 14 फीट का आपको मिलता है, यू शेप का सोफा लगाने के लिए दोस्तों स्पेस आपको मिल जाता है, इस तरफ आपको शाफ्ट मिलती है, एक वॉल आपको डिजाइनर लुक के साथ मिलती है, इस तरफ एसी की फिटिंग मिलती है, सिर्फ इंडोर एंड आउटडोर ही आपको इंस्टॉल करना है। बात अगर करें सीलिंग की, तो सीलिंग का डिजाइन दोस्तों बहुत डिफरेंट और यूनिक तरीके से हम लोग हमेशा ही डिजाइन करते हैं, तो यहां भी आपको बहुत प्यारा सिंपल सोबर सा डिजाइन यहां पर मिलने वाला है। और सोफे के ठीक सामने बहुत प्यारा बड़ा आपको जो टीवी पैनल है दोस्तों वो मिलता है, आप देख सकते हैं काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो बड़े साइज का टीवी आप यहां लगा पाएंगे। स्विच एंड सॉकेट्स आपको यहां पर मिलते हैं, 3 सॉकेट्स दे रखी है दोस्तों, 2 स्विचेस दे रखे हैं, और नीचे भी आपको जो ड्रॉर्स हैं वो मिलती हैं, यानी कि आपको प्रॉपर जो स्टोरेज है वो भी यहाँ पर मिल जाती है। उसके ठीक साथ में हमने यहाँ पर फ्रिज के लिए दोस्तों स्पेस आपको दिया है, स्विच इन सॉकेट आपको दिया है, क्योंकि इसके ठीक साथ में आपको मिल जाती है आपकी बहुत प्यारी सी किचन। तो चलिए बात करते हैं आपकी किचन के बारे में। किचन आप देख सकते हैं दोस्तों की काफी बड़ी किचन आपको मिलती है, फ्रंट साइड की किचन है दोस्तों, और इसमें आराम से 2 से 3 लोग खड़े होकर भी काम कर सकते हैं। चौड़ाई की अगर बात करें तो लगभग 5 फीट की दोस्तों चौड़ाई इसकी आपको मिलती है, एल टाइप का आपको टॉप मिलता है, नैनो पत्थर का दोस्तों आपको यहां पर टॉप लगा कर देंगे, वो भी डबल मोल्डिंग वर्क के साथ। इस किचन के अंदर कुछ अच्छी बातें ये है दोस्तों, सबसे पहला तो आपका वेंटिलेशन जो कि बाहर की तरफ है, काफी बड़ी विंडो आपको मिलती है, तो बहुत ईजी रहता है, बहुत कंफर्ट रहता है जो लोग यहाँ पर काम करेंगे उनके लिए, कि उनको फ्रेश एयर बाहर से मिलती रहेगी। सेकंड बात दोस्तों, हमने किचन में मेंटेनेंस को लेकर काफी ध्यान दिया है, हमने इस तरफ भी टाइल्स लगाई है, और यहाँ कंप्लीटली टाइल वर्क आपको मिलता है जो कि हाई क्वालिटी का है, कभी भी दोस्तों किचन को साफ रखने में आपको परेशानी नहीं आएगी। और एक और बात दोस्तों, वास्तु के लिहाज से आपको बताना चाहता हूं कि किचन हमेशा ही साफ सुथरी रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में बरकत होती है। चलिए बात करते हैं स्टोरेज की, तो नीचे आपको काफी सारी जो बास्केट है दोस्तों वो मिल जाती हैं, जो कि प्रीमियम सेगमेंट के स्टील के साथ मिलती हैं, और इसमें जितना भी काम किया गया है, चाहे वो वुड वर्क हो दोस्तों या इसके चैनल्स हो, सब के सब आपको हाई क्वालिटी के मिलते हैं। बीच में आपको स्विच एंड सॉकेट मिलते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिकल आइटम्स आप इजिली इस्तेमाल कर पाए। इस तरफ आप देखेंगे काफी बड़ा आपको सिंक मिल जाता है, और यहाँ भी दोस्तों आपको प्रेस्टीज कंपनी की फिटिंग मिलती है, और आप देख सकते हैं मूवेबल आपका ये शावर है दोस्तों, तो इजी रहता है आपके लिए बर्तन साफ करना। ऊपर आपको गीजर का पॉइंट मिलता है, इस तरफ आपको चिमनी मिलती है दोस्तों, और अपर सेक्शन की अगर बात करें तो आपको मिरर लुक में हमने ये कैबिनेट्स बना कर दी है, आप देख सकते हैं काफी स्टोरेज भी मिलती है दोस्तों, और साथ में ब्यूटी भी मिलती है, यानी कि आपकी किचन को ब्यूटीफुल भी किया गया है, और साथ में दोस्तों इसे काफी यूजफुल भी बनाया गया है। लाइट वर्क की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं प्रॉपर सीलिंग लाइट्स आपको मिलती है, जिससे पूरी किचन में आपको रोशनी मिलने वाली है। तो ये है दोस्तों आपकी किचन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लिविंग स्पेस और आपकी किचन जरूर पसंद आई होगी। किचन के बाद दोस्तों और आपके लिविंग स्पेस के बाद अब मैं आपको दिखाता हूं आपका पहला बेडरूम, जो कि एंट्री करने के बाद सबसे पहले आता है। आप देख सकते हैं 6x6 का बेड आप यहां पर इजिली लगा सकते हैं, एक वॉल आपको डिजाइनर मिलती है, और अगेन दोस्तों तो सीलिंग का डिजाइन है बहुत प्यारा और यूनिक आपको यहां पर मिल जाता है, एसी की फिटिंग मिलती है, और ये वॉल दोस्तों हमने कंप्लीटली डिजाइनर लुक के साथ तैयार की है। आप देख सकते हैं नीचे आपको स्टोरेज मिलती है,
वुडन वर्क आपको मिलता है दोस्तों, जो कि काफी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ है। यहाँ पर कंप्लीट रूम के जो लाइट फैन है दोस्तों, उसकी ऑपरेटिंग आपको मिलती है। नीचे आपको स्विच इन सॉकेट मिलते हैं और यहाँ पर भी दोस्तों आपको स्विच इन सॉकेट मिल जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर हमने आपको लुकिंग मिरर लगा कर दिया है, जिससे कि अपने आप को आप ड्रेसअप कर सके। और इसके अलावा यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए हमने स्पेस आपको दिया है दोस्तों। आप देख सकते हैं छोटी सी विंडो आपको मिलती है, जहां पर अपना एग्जॉस्ट फैन आप लगा सकते हैं और अपने इस रूम को प्रॉपर वेंटिलेट कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद दोस्तों हमारा कॉमन वॉशरूम है, आप देख सकते हैं काफी शानदार ये वॉशरूम आपको मिलता है। साइज की अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट 8 फीट के दोस्तों इसकी लेंथ है, और चौड़ाई की अगर बात करें तो लगभग दोस्तों 4.5 फीट की इसकी चौड़ाई आपको मिलती है। कंप्लीट रूफ हाइट तक की टाइल्स आपको मिलती है, एक वॉल आपको डिजाइनर मिलती है दोस्तों। यहां पर आपको जो वॉल हैंगिंग कमोड है वो मिलती है, इस तरफ आपको बेडिंग एरिया मिलता है, जेगुआर की फिटिंग मिलती है दोस्तों, और इस तरफ आपको कॉर्नर में बहुत प्यारा सा डिजाइनर लुक का वॉश बेसिन मिलता है। यहाँ दोस्तों आपको वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट मिलती है, एग्जॉस्ट फैन आप इजीली लगा पाएंगे। नीचे नॉन स्लिपरी टाइल्स लगाई गई हैं और इस वॉशरूम को हमने लगभग 2.5 इंची डाउन रखा है, जिससे बाहर पानी जाने की समस्या कभी भी ना हो। प्रॉपर स्लोप आपको मिलता है दोस्तों, यानी कि आपका जो पानी है वो इजिली ड्रेन आउट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे सेकेंड बेडरूम के बारे में। तो ये है दोस्तों आपका सेकेंड बेडरूम, जो कि फ्रंट साइड में है, बिल्कुल बालकनी के साथ में है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं 6x6 का बेड लगाने के लिए परफेक्टली प्रोविजन आपको मिलता है। एक वॉल आपको डिजाइनर मिलती है, तो दोनों तरफ आपको वार्डरोब मिलती है, नीचे आपको ओपन शेल्फ मिलती है, और दोनों ही तरफ आपको जो ड्रॉर्स है ये भी मिलती है, यानी कि स्टोरेज भी दोस्तों आपके इस फ्लैट में आपको काफी मिल जाती है। अगर बात करें सीलिंग की, तो अगेन सीलिंग का डिजाइन आपको यहाँ पर मिलता है, और बेड के ठीक सामने हमने स्विच एंड सॉकेट्स आपके लिए लगाए हैं। इनके अगर आप चाहते हैं टीवी लगाना तो यहाँ पर अपना टीवी लगा सकते हैं। ये बेडरूम दोस्तों हमारा वॉशरूम के साथ अटैच है, तो यहाँ पर आपको मिलता है आपका सेकेंड वॉशरूम आपके इस फ्लैट का। और इसका भी स्पेस दोस्तों काफी ठीक है, 5.5 फीट बाय और ऑलमोस्ट दोस्तों 5 फीट का आपको ये वॉशरूम मिलता है। रूफ हाइट तक की आपको टाइल्स मिलती है, डिजाइनर लुक की टाइल्स है दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रॉपर ग्राउंडिंग वर्क के साथ आपको मिलती है। ऊपर आपको विंडो मिलती है, जिससे कि प्रॉपर वेंटिलेशन यहां पर मिलेगा। वॉल हैंगिंग कमोड मिलती है, जेगवार की फिटिंग के साथ दोस्तों आपको बेडिंग एरिया मिलता है, सोम चेहरा का आपको जो वॉश बेसिन है दोस्तों वो मिलता है, यानी कि सारा का सारा काम आपको ब्रांडेड मिलता है। और अगेन ये वॉशरूम भी दोस्तों हमने लगभग 1.5 इंची डाउन रखा है, जिससे बाहर पानी जाने की समस्या कभी भी ना आए। चलिए मैं आपको ले चलता हूं आपकी बालकनी की तरफ। ये दोस्तों आपकी बालकनी है, और आप देख सकते हैं काफी बड़ी और वाइड बालकनी आपको मिलती है, 8 फीट बाय और ऑलमोस्ट 4 फीट का दोस्तों इसका साइज है। यहाँ पर स्टील की रेलिंग मिलती है, टफन ग्लास यहाँ पर लगने वाले हैं दोस्तों। हैंगर्स आपको मिलते हैं आपके कपड़े सुखाने के लिए, सामने 20 फीट की रोड मिलती है। टाइल वर्क की अगर बात करें तो कंप्लीट एलिवेशन पर आपको डिजाइनर टाइल वर्क मिलती है दोस्तों। यहाँ पर आपको टैप दिया गया है, स्विच एंड सॉकेट दिया गया है, जिससे कि आप अपने जो वॉशिंग मशीन है वो भी यहाँ पर इजिली लगा सकें। तो ये है दोस्तों आपकी बालकनी, जो कि काफी वाइड है, इजिली यहाँ पर 2-3 चेयर्स आप डाल सकते हैं, अपनी वॉशिंग मशीन आप आराम से लगा सकते हैं। तो ये है दोस्तों आपका 2 BHK का फ्लैट, जो कि 65 स्क्वायर यार्ड के स्लैब एरिया में है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, लोन आप इजीली ले पाएंगे, विद कार पार्किंग है दोस्तों, फ्रंट साइड का है, मेन मेट्रो 9 से लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, मार्केट से बिल्कुल नजदीक है, 3 बड़े-बड़े स्कूल आपको यहाँ नियर बाय मिल जाते हैं दोस्तों, सारी की सारी सुविधाएं आपको आसपास में मिलती है, रेगुलर पानी आता है, बिजली दोस्तों रेगुलर रहती है, शिवरेज है, गैस की पाइपलाइन दोस्तों आपको यहाँ पर मिलती है, सिलेंडर का कोई झंझट नहीं। और इसके बाद दोस्तों एक और बहुत खास बात है, जो मैं आपको फोन पर ही बताऊंगा, वीडियो में नहीं बता सकता, और वो स्पेशल दोस्तों इसी फ्लैट को लेकर है। तो ये जानने के लिए कॉल जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों कि गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का साथ आपको कैसा लगता है, और इनके साथ आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय भोलेनाथ।